नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जैन। आज हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा घुटने टेक देते हैं, फिर वह बच्चा हो या बूढ़ा, सारे लोग इसके सामने घुटने टेक देते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वही कोरोना जो अगले साल हमारे देश में हाहाकार मचाया था। एक बार फिर से ये कोरोना चीन में देखने को मिला। भारत सरकार ने अलर्ट कर दिया है कि आप मास्क लगाना शुरू कर दें। कई ऐसे निर्णय भारत सरकार ने लिया है जो कोरोना को रोक सके हमारे देश में आने से। लेकिन अब इस सब के बीच अजीबोगरीब एक राजनीति चल रही है। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कई नेताओं का कहना है कि बीजेपी इस भारत जोड़ो यात्रा से सहमत नहीं है। कई मंत्रियों का भी कहना है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से नफरत कर रही है। अब इस सब के बीच एक अलग ही घमासान मचा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि कई राजनीतिक दलों का कहना था कि जब जामिया ने एनआरसी के खिलाफ का आंदोलन शुरू किया और शाहीन बाग इसका सेंटर बन गया, तो फिर बीजेपी ने इस आंदोलन को उठाने के लिए जद्दोजहद कर दी, लेकिन आंदोलन उठा नहीं। तो फिर कई राजनेताओं या मंत्रियों कहना है कि जब बीजेपी ने हार मान लिया तो उसने कोरोना बुलाया, और जैसे ही कोरोना आया एनआरसी का आंदोलन भी गायब हो गया, शाहीन बाग सुनसान हो गया और हमारे देश में कोरोना की तादाद बढ़ती चली गई, कितने लोगों की जान चली गई। राहुल गांधी का कहना था कि मैंने केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह सतर्क हो जाए, फ्लाइट रोक दे और विदेश से आने वाले लोगों को भी रोक दे, लेकिन उन्होंने एक न मानी और हमारे देश में कोरोना बढ़ता ही चला गया। लेकिन कांग्रेस ने जो बीजेपी पर आरोप लगाया था वह सरासर गलत था, क्योंकि कोरोना बीजेपी नहीं लाए थे। बीजेपी ने कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोरोना को देखते हुए जो विदेश से यानी चीन में तबाही मचाई हुई है, अब इन सब मुद्दों को देखते हुए यह मुद्दा उठता है कि क्या फिर से बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए क्या फिर से कोरोना ला रही है, या फिर कोरोना को हमारे देश में आने से रोक पाती है। अब इसका फैसला आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या बीजेपी इस बार भी अपने पर लगे हुए आरोप को गलत साबित कर पाती है कि नहीं। तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज। मोहब्बत की दुकान खोली थी, यही हम करते हैं। तो यह मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। अंत में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है।